गाना पसंद है, बहुत ही बढ़िया बात बोली थी, सही में मेरे दिल को छू गई थी वो। खाना भाई साहब तो स्वर्ग में है और अपन नरक में, ये मानते हो जो गया वो तो स्वर्ग में और अपन लोग नरक में। बिल्कुल सही है, बस जो उन्होंने बोली थी वो तो खाना भाई साहब ही जानते कितनी प्यारी बात। क्या बात बोली थी अजीब, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। अब देखो क्या बताऊं मैं पंडित जी, फिर बस ये है कहने का, उन्होंने जब वो मेरे से तीन चार बार जब भी मिले, वो तीन चार बार उन्होंने बात की थी और काफी मेरे पास दुकान पे भी आए, वो उन्होंने एक ही बात बोली थी जब अपन लॉकडाउन के समय में पतंग उड़ा, लॉकडाउन के समय पतंगबाजी करी थी अपन। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम आ चुके हैं अजय काइट सेंटर, अजय भाई की दुकान पे आ चुके हैं। चलिए मिलते हैं अजय भैया से। हेलो अजय भैया। हाँ जी पंडित जी। बढ़िया, बस बढ़िया। इनसे मिले हैं राहुल, अजय भाई के छोटे भाई। ये आज इनके पास कुछ पतंगे आई है। आप सुनाइए पंडित जी, क्या चाल है आपके? बस बढ़िया जी भैया, आप बताओ कैसे हो? और गेम वेम में कैसे क्या चल रहा है? गेम भैया कल ही लड़ाया था दिल्ली से। क्या रहा? 7-25 से काट दिया था हमने। बहुत बढ़िया यार। ये दिए थे पतंगे, मंजोली पतंगे ना जी भैया? जी हाँ मंजोली है ये, बरेली की है ये। बरेली की है मंजोली? हाँ बरेली की मंजोली है, लंबे फरमे पे। लंबे फरमे पे देख सकते हैं आप पतंग की फिनिशिंग। काफी खूबसूरत पतंगे लग रही है। बेटा गिर जाएगा, उधर गिर जाएगा, इधर आ जाओ बेटा, गिर जाओगे तो। ये देखिए चरखियों का पार्सल भी आएंगे पास, पहले पतंगों का पार्सल देखेंगे, उसके बाद चरखियों को भी देखेंगे कौन कौन सी चरखियां। अजी मंजे की चरखी आई है ना इस पार्सल में? हाँ ये मंजे का कार्टून है, इसमें मंजे की चरखी आई है, सब मैदानी डोरे हैं इसमें। ये मंजे की चरखी का पार्सल कहाँ से है? बरेली। ये भी बरेली से है? कितने रील की इसमें, 12 रील 6 रील? 12 सारी मैदानी है, सारी सारी अच्छी क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, सारी मैदानी, सारी 1-2-3, सारी 1-2-3। चलिए देखेंगे, पहले पतंगे देखते हैं उसके बाद ये वाला पार्सल भी खोलेंगे। ये देखिए इसमें ब्लू व्हाइट पत्ता, ये भी मंजोली है जी भैया? जी मंजोली है पंडित जी, बहुत ही अच्छी मंजोली है, बहुत ही लपक झपक वाली मंजोली है, बहुत ही अच्छे कमान ठटे लगे हुए। पतंग के कारीगर के बारे में तो क्या ही बताऊंगा आपको, ये पतंग खुद अपने हिसाब से बनवाते हैं। पतंग तो क्या, मेरे को तो पतंग बनाना काफी सीखी है, काफी पतंग बनाई है मैंने, तो पतंग किस तरीके से कारीगर से बनवानी है, कमान खड्डे किस तरीके से छीलने ये बताना पड़ता है कारीगरों को। अच्छा, एक कारीगर को आप खुद बताते हो किस तरीके काम खड्डे लगाने हैं? हाँ, उसमें सिलाई कितनी होगी? एकदम स्प्रिंग होनी चाहिए पतंग, जब जाके कस्टमर लेता है ना उड़ाता है उसको मजा आता है। जैसा कि मैदान वाले पसंद करते हैं छिले हुए काम खड्डे, वैसे ही जी, चाहे मैदान में हो चाहे छत का शौक हो, बच्चों का कोशिश अपनी यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पतंग में स्प्रिंग हो, मतलब आपकी पतंग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब कांप आप छीलने की इनकी पहले से छिलाई आएगी पतंग। हाँ, वो तो है, पतंग सबसे पहले क्या है एकदम मतलब स्मूथ होनी चाहिए और शानदार पतंग होनी चाहिए। ये देखिए कितना बारीक कमान ठड्डा लगेगा, ये देखिए आप इतने कमान पे मेहनत होगी, एकदम गोल रोल है ये देखिए आप, फिनिशिंग भी काफी अच्छी है, काफी कितनी सफाई हुई भी है एकदम। लोग मैदान वाला हो या अपना मकर संक्रांति का छत का हो या छत पे जो बच्चे उड़ाते हैं उनके हिसाब से भी बहुत लोच वाली होनी चाहिए, बच्चों को लोच वाली पतंग बहुत पसंद आती है। बच्चों का पूरा ध्यान रखते हो, सिर्फ मैदान वालों का नहीं बच्चों का भी पूरा ध्यान रखते हो? सबका सबका, वो क्या है छत वाले हो चाहे मैदान वाले हो सबका ध्यान रखते हो? हां वो फितरत में शुरू से। सही है जी भैया, ये भी मजूरियां चल रही है अपनी। कई बार क्या होता है कई लोग दुकानदार जो लोग होते हैं वो मैदान वालों को और छत वालों को अलग अलग नजर से देखते हैं, पर मेरे एक ही पित्र रहते
जो मैदान वालों को देंगे वो ही छत वालों को देंगे। बिल्कुल सही बात है जी। जब जाके इतनी भारी गिराई के आती है अपने पास, और आपने तो देखा ही है यार पंडित जी। बिल्कुल अजीब है, कम से कम आज 7-8 साल हो गए मेरे को आपसे सामान लेते हुए। आपने देखा ये और पूरे जयपुर में के मैदान वालों ने भी देखा है कि किस तरीके की पतंग डोर आती है उनके पास। और जब तक मेरे को पसंद नहीं आती, जब तक मैं कारीगर को कहीं ओके भी नहीं करता कि आई। और सबसे प्लस ये भी तो है ना, मैं पतंग उड़ाना, बनाना, देखना, बेचना सब आता है मेरे को। ये तो आपने भी देखा है, मैंने 15 साल पतंग डोर का काम करा है। 15 साल से काम कर रहा है ये? 15 साल से करा है और 15 साल पतंग बनाई है मैंने। पतंग बनाना, कमान चढ़ाना, डोरी लोटना सब आता है अपन को। जब जाके तो कस्टमर मानता है इस चीज के लिए। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं जी, वो खुद बता रहे हैं कि किस तरीके की पतंग होनी चाहिए, पतंग में कांच की सिलाई किस तरीके से होनी चाहिए, कहाँ टुकड़े किस तरीके के होने चाहिए। तो ये अगर दुकानदार जानते तो पतंग बनाने में बहुत आसानी रहती है। खुद के हिसाब से पतंग बनवाते हैं, ये सिलाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। कई बार कारीगर भेजता है कि कैसी है पतंग, कैसी है दोस्त, तो उसको अपन यही बोलते हैं कि ये कमी है इसमें, ये है इसमें, ये पोनी है। अच्छा, मतलब पतंग अच्छी है तो भी बताते हो और कुछ खराबी है तो वो भी कारीगर को बताते हो? कमी तो बताएंगे जब, तो अच्छे करके भेजेगा। ये देखिए, ये कौन सी पतंग है जी? पोनी। ये पोनी है, बहुत शानदार पोनी है। बगल में काम चल रहा है, वीडियो बनाने में काफी दिक्कत आती है इनकी वजह से, इसलिए थोड़ी देर रुक जाओ भैया। आप है ना, आप मेरी फितरत में पौड़ी पतंग में एक ही चीज रही है, 10 पतंग हो चाहे 100 पतंग हो या 1000 पतंग हो, 2000 पतंग सब एक जैसी दिखनी चाहिए। मतलब इस चौकी में जो पतंग है, मतलब कहने का मतलब है सारे पतंगे एक से निकलेगी इसमें? हाँ, ये देखो ना, ये देखिए आप, चारों पतंगे एक से निकली इसमें। आप खेलोगे जहां से निकाल दूंगा, आप खेलोगे यहाँ से कहीं से भी निकाल दूंगा। अजी एक बार ये वाली पूरी पतंग हटा दो ऊपर की। हाँ, ये वाली पतंग दिखाओ। ये देखिए पंडित जी, और आप तो आप ही अच्छा पतंग देखना जानते हो, लड़ाना जानते हो। ये देखिए, देख सकते हैं दोस्तों आप, नीचे से पतंग निकाली है, उसमें भी चारों पतंग कांपुड्डे दे सकते हैं आप पूरे अच्छे से। गोल रोल है, कमान ठड्डा ते कमानो के ठड्डा, कितनी गोल है। बिल्कुल अजीब, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग करके भेजी है। देखिए कहीं से भी निकाल दूंगा। इसमें भी वही सेम लोच। हाँ पंडित जी, शानदार पतंग है, सही में मजा आ गया। कोई से भी देखो आप, कोई से भी देखो उठा। कितनी पतंग आई है इसमें टोटल? पोनी इसमें पोनी आई है 300। 300? 300 की 300 एक जैसी है। कहीं से भी निकाल लीजिए, देख लो। बीच में से भी पतंग निकाल के दिखा दिया जी मैंने, नीचे के नीचे वाली पतंग भी निकाल के दिखा दी। 300 पतंग में से एक भी पतंग मकरात नहीं होगी, सारी पतंगों में लोच है। ये विश्वास है, जब कारीगर को बताते हैं ना मेरे को इस तरीके की पतंग चाहिए, तो कारीगर वो ही पतंग बेचता है। काफी मेहनत करते हो जी पतंगों में भी आप, सेम चरखियों में भी ऐसा ही रहता है जी आपका? जी, आप 10 चरखी देखोगे, 10 की 10 चरखी एक जैसी ही दिखेगी। चरखी भी आप अपने हिसाब से बनवाते हो? हाँ, कारीगर कोई से भी हो, चरखी आपके हिसाब से बनेगी? हाँ, मेरे हिसाब से बनेगी, जब मेरे को पसंद आएगी, जब जाके ग्राहक को आएगी। और आपने तो खूब पतंग दोरे उड़ाई है आज तक, और मैं चरखी में भी यही मानता हूँ कि जब तक कस्टमर को पसंद ही नहीं आएगी तो उसमें अपन भी क्या करेंगे। नहीं, मैंने सुना है ये भी तो बात है ना, सारे पतंग जैसे अभी आई है, आप इनको अभी नहीं बेचोगे, थोड़ा रोक के बेचोगे। हाँ, उसके पीछे क्या रीजन है पर वो बता सकते हैं? उसका रीजन ये है कि पंडित जी, कई बार क्या होता है, एक अच्छी पतंग होती है ना, कि अपन को लगता है अपने हिसाब से बन के आई है, बहुत अच्छी पतंग है, वो ताजा उड़ेगी ना तो भी अच्छी उड़ेगी, और जब वो रुक जाएगी ना तो ये समझिए बहुत ही अच्छी उड़ेगी। काफी लोग यही करते हैं, रोक के पतंग। पूरा मैदान जानता है, मैं तो रोक के पतंग बेचता हूँ, चाहे वो 6 महीने पुरानी हो चाहे 3 साल पुरानी हो, पूरे मैदान वालों को मैंने रोक के पतंग दी है, और जो भी लेके गया है पूरी 100 की 100 पतंग एक जैसे निकलनी चाहिए। ये मेरे सोचता हूँ, ये मेरा विचार है। नहीं बिल्कुल सही है, और मैदान वाला मानता भी है, वो एक बार 35 वाली भी पतंग उड़ाएगा ना, अपन उसको 25 रुपए वाली पतंग देंगे ना, उससे ज्यादा उसमें मजा आएगा। बिल्कुल सही बात है जी भैया, ऐसा तो होता ही रहता है। ये अद्धी है, ये अद्धी पतंग आ गई यहाँ से, ये अद्धी
अद्धी भी देख सकते हैं आप, अद्धी में भी वही सेम लोच है, कहाँ फुट है दोनों देख सकते हैं आप, चारों पतंगे खोल के दिखा दिया जी मैंने, चाहे मंजोली हो चाहे अद्धी हो चाहे कोणी हो, चाहे मंजोली हो अद्धी हो कोणी हो, कोई से भी आप खेओगे यहाँ से, आप खेओगे यहाँ से, आप खेओगे वहां से, कहीं से भी निकाल के बता। नहीं अजीबे आपके बारे में सुन रखा है, सारे पतंग में किसी पतंग में कोई शिकायत नहीं आती, जिस तरीके से आप बता रहे हो नीचे से निकाल के दिखा दूंगा आपको, देखिए दे सकते हैं लोच आप, कोई कहीं से भी निकाल लो, ये देखिए यहाँ से निकाल लो आप, ये ब्लैक जी कौन सी, ये भी अद्धी है, ये भी अद्धी है पंडित जी, फिनिशिंग देखिए आप सारी पतंगों में, ये देखिए लोच, पतंग में सफाई होनी चाहिए, पतंग में कमांड ठड्डे छिले हुए होने चाहिए, वो बहुत अच्छा काम करती है। सारे पतंगों की फिनिशिंग देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर, हल्की सी कोई भी कहीं से भी सलवटें नहीं आ रही, और चाहे अद्धी हो चाहे मंजोली हो चाहे पूर्णी हो, मैं सबको ही रोक के बेचता हूँ, मंजोली को भी रोक के बेचते हो, 15 साल से क्या बात है, 15 साल हो गए, 15 साल से ही, आपने तो देखी है ना पंडित जी, बिल्कुल अजीब है मेरे को, 10 साल हो गए आपसे लेते हुए, रुकने के बाद पतंग में बहुत अच्छी तासीर आ जाती है, पतंग खुद में, हाँ सारे अधिकतर पतंग यही कहते हैं, पुरानी पतंग होती है ना वो खुद ही पुकारती है कि मैं कितनी पुरानी, आज भी मैदान वालों के पास इतिहास गवाया है, मैंने 10-10, 11-11 रुपए में ऐसी ऐसी पतंग दी है, ऐसी ऐसी पतंग दी है कि लोग 20-20 रुपए की पतंग भूल गए, बिल्कुल अजीब आपकी तो यही है, मेरे को रेट में भी कोई ज्यादा वो नहीं है, तो लोगों से सस्ती बस बढ़िया, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, लोगों की 30 रुपए पतंग ले लो आपकी वही 20-22 के ले लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई एक बार वो ये समझ लीजिए 40 रुपए वाली पतंग है, 40 रुपए वाली पतंग और अपन कोई पतंग 25-28 रुपए की बेच रहे ना, उससे अच्छा मजा देके जाएगी, बिल्कुल आदमी खूब लेके गया है और वो बोला भी और खूब उड़ाया भी, बिल्कुल तारीफ तो अजीब सभी करते हैं, जितनी तारीफ मैंने भी आपकी मैदान में सुनी है शायद ही किसी की सुनी हो, और ये है हमारे लोकेश जी 15-1 साल पुराने मित्र, ये लोकेश भाई ये शुरू से अजीबे के साथ ही रहे हैं, पतंग की दुनिया में सबसे पुराने मित्र मेरे, सबसे पुराने मित्र ये, हाँ हेलो लोकेश भैया, देख सकते हैं पतंगे कितनी क्लीन और पूरी साफ लग रही है एकदम, ये देखिए पंडित जी ये कौन सी पतंग है जी, ये मंजोली है, ये भी मंजोली पतंग है, क्वालिटी है, ये फरमा अलग लग रहा है मेरे को, हाँ ये फरमा है, जो ऊपर वाली मंजोली आई थी वो अलग क्वालिटी है, वो लंबा फरमा, हाँ जो काली आई थी वो अलग क्वालिटी है, और ये जो काली पतंग है ये अलग क्वालिटी है, फरमे पे ये अलग क्वालिटी है, और ये और लंबा फरमा ये अलग क्वालिटी, ये और लंबा फरमा है ब्लू वाला, ये भी मंजोली है, दोनों मंजोली, वो भी मंजोली, ये मंजोली, इसमें तीन क्वालिटी की मंजोली आई है, तीन क्वालिटी की मंजोली है, दो तो आपने देख ली, तीसरी मंजोली दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये है वो तीसरी मंजोली, बहुत ही शानदार मंजोली, मंजोली पता है मेरे को अद्धी जैसी लग रही है, ना ना मंजोली है, फुल साइज मंजोली है, फुल साइज मंजोली, हाँ फुल साइज मंजोली, इसमें भी वही सेम लोच, हाँ कहाँ खुद छिले हुए, ये देखिए भैया जी मैं खुद देख के बता रहे हैं पतंग में आराम से, ये भी मंजोली में भी आप खेओगे ना जहाँ से निकाल के बता दूंगा सब एक जैसे, नहीं नहीं अजीब हम मांग गए आपने कोनी वैसे खोल के दिखा दी, कहीं से भी निकाल लो पंडित, मेरा तो उसूल ही ये रहा है, चाहे मंजोली हो चाहे अद्धी हो, जब अपन कारीगर को मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं तो पतंग भी वो एक जैसी ही होनी चाहिए, तो फिर शिकायतें भी बहुत कम ही आती होगी अजीबे कारीगरों से भी, सारी चीजें तो आपकी कहने से बन रही है, शिकायत का तो पंडित जी कोई नाम ही नहीं पूरा जयपुर जानता है, पूरी चीजें आपकी कहने के हिसाब से बन के आ रही है, तो शिकायत का तो मौका ही नहीं है, ये देखिए ये भी मंजोली है, ये मंजोली मजूली में कितनी मेहनत की, आप ये देखो कमान खड्डे देखिए कितने गोल है, पूरी कमान देख सकते हैं आप, बिल्कुल गोल है, आप कमान खड्डे देखिए बिल्कुल गोल है, बहुत मेहनत हुई है, कारीगर बना के देगा पंडित जी उसका, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, मैं कारीगर को एक ही बात बोलता हूँ, मेरे को पतंग देखना बनाना उड़ाना सब आता है, आप यानी कि बस बेच दी उससे काम नहीं चलेगा, आएगी तो कमी पकड़ी जाएगी, सही बात है, ये चीज अगर कारीगर भी जानता है तो फिर वो गलत चीज नहीं बेच सकता, हर कारीगर कोई चीज से भी मैं काम करता हूँ ना वो जानता है, और फिर वो बेचता भी वही चीज है, जब
अपन से 10 साल का एक्सपीरियंस भी तो हो गया जब बनाते बनाते हैं, तो सारे कारीगर को पता हो गया अजीबे को कौन सी चीज भेजनी है कौन सी नहीं भेजनी। पतंग की दुनिया में मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल से ये काम कर रहा हूं मैं 10-11 साल की उम्र में काम कर रहा हूं। 10-11 साल की उम्र से काम करने लग गया था इन्हीं पतंग का। हां क्या बात है अजीबे। दोस्तों आप देख सकते हैं 15-20 साल हो गए अजीबे को, 25 साल से ये काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो हो गई। आज मेरी 36 साल की उम्र है, मैं 9-10 साल की उम्र से काम कर रहा हूं पतंग का। 9-10 साल की उम्र से? हाँ। शुरू से आपकी दुकान यहीं पर है जी भैया? ना, ये यहाँ पे मेरे को 15 साल हो गए। यहाँ पे 15 साल हो गए? हाँ, यहाँ पे आए हुए मेरे को 15 साल हो गए इस जगह। मैं पहले भाई पे रहता था चार दरवाजा घोड़ा निकास रोड। चार दरवाजा घोड़ा निकास रोड पे? हाँ। हानिपुरा के पास में? हाँ। अच्छा, और अभी आपकी लोकेशन किस जगह है, किस जगह पर है दुकान? अपनी लोकेशन है रामगढ़ मोड़ जंगल। जंगल रामगढ़ मोड़ से अपन नेर के गणेश जी की तरफ चलेंगे ना जी, वहाँ पे नाला आएगा, नाले के पास में गली डाली पर्वतपुरी कागजवाड़ा वही अपने दुकान। अच्छा, वो शमशान के पीछे? हाँ, शमशान के पास। शमशान के पास चार मकान आ। देखिए सारी पतंग में कितनी फिनिशिंग क्लीन, और हवा लगती तो और ज्यादा खिल गई है पतंगें। और इन पतंगों को मैं कम से कम 3 महीने रोक के बेचूंगा। 3 महीने रोक के बेचोगे? अभी नहीं बेचोगे? नहीं, कस्टमर मांगेगा तो उसको 3 महीने रोक के बेचूंगा, उसके बाद उसको डबल मजा आएगा। मान लो कस्टमर अभी लेना है, अच्छा मान लो कस्टमर अभी लेना चाहे, फिर वो ये बोले कि मैं खुद रोक के उड़ाऊंगा, वो तो फिर कस्टमर की मर्जी है। वो कस्टमर की मर्जी है, तुम मना नहीं करोगे आप तो दे दोगे। लेना चाहे तो उसके ऊपर वो है। नहीं अजय भैया मेरे को चाहिए। अच्छा, बाकी पहले ही बता दो कि 3 महीने रोक के लड़ाने तो ही मजे आएंगे। मैंने अभी भी कहा कि मैं मंजूरी हो अजी हो पौड़ी हो, मैं रोक के ही बेच के पसंद करता हूँ। रोक के ही बेचते हो आप? हाँ, ये चीज बहुत बढ़िया लगी अजी भैया, ताकि किसी कस्टमर से कोई शिकायत ना आए। चाहे चरकी हो चाहे पतंग हो, मैं साल भर 6 महीने 1.5 साल 2 साल इतनी रोक के मैं पतंग और बेचना शुरू से पसंद है। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है जी भैया। और उसके पतंग भी ऐसे भी होती है कि इस पतंग को कितना टाइम तक रोकना है, 6 महीने साल भर या 3 महीने। अच्छा, इस हिसाब से भी कमांड ठड्डे लगे हुए होते हैं। बिल्कुल सही बात है वो तो जी भैया, आप ज्यादा जानते हो मेरे से भी। अब जैसे 25 साल हो गए आपको, जैसे ये पतंग है मैं मानता हूँ ये 5-6 महीने रुक जाएगी ना। हाँ। और भी शानदार हो जाएगी, आप इसको 3 महीने रोक के बेच देंगे, वो ताजा भी बहुत अच्छी उड़ेगी। ताजा भी अच्छी उड़ेगी? हाँ, बहुत अच्छी उड़ेगी, बहुत ही अच्छी। और रुकने के बाद? रुकने के बाद तो फिर 3-4 गुना मजा आएगा, 3-4 गुना मजा बढ़ जाएगा इस पतंग में। पतंग काफी खूबसूरत मंगाई है जी भैया मजूरी में भी। और बाकी पंडित जी पूरा जयपुर जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, हुनर के हिसाब से आदमी दुकानदारी करता है तो बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, अभी थोड़ी दिन पहले ही अभी वो खाना भाई साहब जी हमारे गुजर गए जी। हाँ, वहाँ से पतंग उड़ाई थी अपन ने, आप भी थे शायद। हाँ, तो वो वाला एक बार कुछ बता सकते हो वहाँ पर क्या हुआ था? अरे खाना भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया बात बोली थी, सही में मेरे दिल को छू गई थी वो। खाना भाई साहब तो स्वर्ग में है और अपन नरक में, ये मानते हो? जो गया वो तो स्वर्ग में और अपन लोग नरक में। बिल्कुल सही है, बस जो उन्होंने बोली थी वो तो खाना भाई साहब ही जानते। क्या बात बोली थी जी, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। अब देखो क्या बताऊं मैं पंडित जी, फिर बस ये है कहने का, उन्होंने जब वो मेरे से 3-4 बार जब भी मिले, वो 3-4 बार उन्होंने बात की थी, और काफी मेरे पास दुकान पर भी आए, वो उन्होंने एक ही बात बोली थी जब अपन लॉकडाउन के समय में पतंग उड़ा। हाँ, लॉकडाउन के समय पतंगबाजी करी थी अपन ने, पीठ पे थप्पी मार के कि तू अपने जयपुर की आन और बान शान। बिल्कुल सही बात की थी, आज भी वो बात याद है। और ये बातें तो काफी अपने जो मैदान वाले चाहने वाले उन्होंने बोल रखे है, पर अपने मुंह से बयां करूं अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप आज ने बोलने को मजबूरी कर दिया। बिल्कुल, क्या हो गया एक बार दोस्तों को पता चले ऐसी बात बोलने को, क्योंकि जब कस्टमर ही जानता है, पूरा जयपुर जानता है, मैदान वाले जानते हैं, छत वाले जानते हैं, उनके मुंह से सुनना बड़ा प्यारा लगता है। बिल्कुल अजीब, और काफी लोगों से सुना है मैंने, हर दिन 5-10 कस्टमर 20 कस्टमर आते रहते हैं, वो एक ही चीज बोलते हैं, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ भाई, तारीफ आम बात है मेरे लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब क्या है, कंटिन्यू पार्सल आते रहेंगे अजीब के, जिसमें पतंग चरखी पतंगों में अद्दी मजोली पोनी इसी तरीके की सारी लोच कहाँ फुटे, बहुत ही बढ़िया। अब इन पतंगों को जमाएंगे और नेक्स्ट खोलेंगे चरखियों का पार्सल। अब अपने पास पंडित जी हर 2-3 दिन में पार्सल आते रहते हैं। हाँ, मैं भी वीडियो में यही कह रहा था, 2-3 दिन फिर पार्सल आएंगे अपने पास। तो दोस्तों, आप लोगों का वक्त जाया ना करते हुए मैं इस वीडियो को यही विराम देना चाहूंगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उल्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।